में की बड़ी खबर, अनिल देशमुख के बचाव में खुद एनसीपी के प्रमुख शरद पवार उतरे हैं। लगातार दूसरे दिन आज शरद पवार ने अनिल देशमुख के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बचाव किया है। साथ ही पवार ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की चिट्ठी की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए हैं। परमबीर सिंह ने चिट्ठी में फरवरी में सचिन वाजे का अनिल देशमुख से मिलना और इस मुलाकात का दावा किया है। उस समय की जानकारी अनिल देशमुख को की तरफ से भी जारी की गई थी, जिसमें बताया गया था कि 1 और 2 फरवरी को विदर्भ के दौरे में थे और उसके बाद कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से वो अस्पताल में भर्ती थे और 27 फरवरी तक होम क्वारंटीन में थे। इस्तीफा नहीं देंगे, ये तय है। सवाल है कि जो एलिगेशन किया है, ये एलिगेशन में सच्चाई नहीं। एलिगेशन का जो समय है, वो समय में वो नहीं थे मुंबई में, वो नागपुर में हॉस्पिटल थे। ये बात साफ होने के बाद फिर इसे और कोई एक्सेप्ट करना चाहिए। आपको लगता है कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होने की जरूरत है सर? कोई इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत नहीं है आपको लगता है? सर, जैसे आप कह रहे हैं कि अब शरद पवार ने यह दावा किया कि अनिल देशमुख 5 से 15 फरवरी के बीच कोरोना पॉजिटिव थे, माइल्ड कोरोना था उन्होंने, और वो अस्पताल में भर्ती थे, जिसका सर्टिफिकेट शरद पवार साहब ने दिखाया सबको। और उसके बाद 16 फरवरी से 27 फरवरी तक उनको ये सलाह दी गई थी कि वो होम क्वारंटीन में रहें, तो वो होम क्वारंटीन में थे। लेकिन बीजेपी नेता अमित मालवीय और पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस ने दोनों ने इस दावे पर सवाल खड़े कर दिए। दोनों ने ट्विटर पर 15 फरवरी का एक वीडियो जारी किया, जो खुद अनिल देशमुख ने ट्वीट किया है, जहां अनिल देशमुख एक प्रेस वार्ता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमित मालवीय ने दावा किया कि इस वीडियो में 15 फरवरी का है। बीजेपी के दावे के बाद शरद पवार ने फिर पलटवार करते हुए कहा कि मेरे पास अस्पताल से जारी देशमुख का सर्टिफिकेट है। साथ ही पवार ने यह भी दावा किया कि बीजेपी अनिल देशमुख की जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो दिखा रही है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए की गई थी। लेकिन साफ इस वीडियो में आप भी देख रहे हैं, अनिल देशमुख वहां लॉन में बैठे हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस नहीं, लेकिन बाकी सारी आप न्यूज 18 का माइक भी देख सकते हैं, वहां पर न्यूज 18 के माइक के साथ वो मीडिया से बात करते हुए दिखे हैं। अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए लिखा कि शरद पवार ने दावा किया है कि अनिल देशमुख 5 से 15 फरवरी तक अस्पताल में भर्ती हैं और 16 से 27 फरवरी को क्वारंटीन में थे, लेकिन अनिल देशमुख 15 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कैसे साफ झूठ बोलते हैं? अभिषेक पांडे मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नीरज दिल्ली में उस प्रेस वार्ता में थे शरद पवार साहब की, उनसे भी जुड़ेंगे। आशीष सिंह भी जुड़ रहे हैं मुंबई से, लेकिन सबसे पहले अभिषेक पांडे से जानते हैं। अभिषेक, ये पहली बात ये कि बीजेपी दावा कर रही है कि खुद अनिल देशमुख कैसे लोगों से मिल रहे हैं। अब अमित मालवीय ने एक और ट्वीट किया है, अमित मालवीय ने ट्वीट किया है कि 8 फरवरी को भी अनिल देशमुख ने वार्ता मीटिंग की थी कांग्रेस के कुछ नेताओं से, इस शेतकरी यानी कि किसान इसको लेकर आंदोलन को लेकर। तो 8 फरवरी वो कहां मिले थे, कैसे मिले थे, किससे मिले थे, ये सवाल भी पूछा जा रहा है। कई बार ये दावा किया जा रहा है कि जो भी एनसीपी क्लीन चिट देने का तरीका नुस्खा अपना रही है, उस नुस्खे में ही खोट है, क्योंकि अनिल देशमुख खुद ट्वीट कर चुके हैं इसके बारे में। बिल्कुल आनंद, खास करके जितने भी दावे किए जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस भी बचाव कर रही है। सचिन सावंत ने कहा कि वो उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में थे जब वो अस्पताल में थे, लेकिन इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के सीनियर नेता सुधीर मुनगुंटीवार हैं। सुधीर भाई, जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं शरद पवार जी की तरफ से या एनसीपी की तरफ से कि उस समय वो कोरोना की चपेट में थे, होम क्वारंटाइन थे और वो किसी से मिले ही नहीं। देखो, ऐसा है, उनका ट्विटर हैंडल हम देखते हैं तो ट्विटर हैंडल से ये पता चलता है कि 15 तारीख को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 19 को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 15 तारीख का आरटीपीसीआर का उनके पास कोई रिजल्ट है कि वो निगेटिव थे, पॉजिटिव थे, कोई है? और अगर वो उसी 15 तारीख को डिस्चार्ज हुए हैं तो हमारा WHO ये कहता है कि उसके बाद भी हमने 7 दिन हमने क्वारंटाइन में रहना चाहिए, गृह विलगीकरण में रहना चाहिए। तो क्या नियमों की धज्जियाँ उड़ाई? ये कंपाउंडर से सगा करते थे कि डॉक्टर से सगा करते थे? और कोरोना के बारे में जो हमने कानून एक्ट लगाया है अभी, उसमें अगर आप
हॉस्पिटल से निकलने के बाद पत्रकारों के बीच में जा रहे हो, जनता के बीच में जा रहे हो, आपने टेस्ट नहीं की है, निगेटिव है, इसका प्रमाण नहीं दिया है, तो आप पे कार्रवाई होती है, आपको जेल जाना पड़ता है, ये हमारा कानून कहता है। क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हो आप सीधे रूप में ये कही है कि इसकी इंक्वायरी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के माध्यम से होगी। दूसरा प्रश्न ये है कि देखो, परमवीर सिंह के पत्र में जो व्हाट्सएप की चैट लगाई है, जो व्हाट्सएप चैट हुई, उसमें उन्होंने तो फरवरी के, जब पूछा जाता है कि कब मिले, तो फरवरी के अंतिम सप्ताह में मिले ऐसा लिखा हुआ है। तो आप गलत तिथियां क्यों दे रहे, ये एक प्रश्न उपस्थित होता है। और आज तक राज्य के गृह मंत्री, ये पुलिस महासंचालक, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त को बुलाते हैं, DCP को बुलाते हैं, API को बुलाया जाता है क्या? ये तो पहली बार हो रही है, API को बुलाया जाता है अपने बंगले पे। अब तो मैं तो ये चाहता हूं कि उस रोड के सभी कैमरे की जांच होनी चाहिए कि API कितने बार आया, API को बुलाया जाता है, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। यानी आप उस शरद पवार जी जो कह रहे हैं उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जो सरकार की तरफ से कहा जाए उस पर भी सवाल है बीजेपी को? देखो ऐसा है, पवार साहब बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, अब इसमें वो बचेंगे तो नहीं, मगर जनता में ये शंका उपस्थित होगी कि अनिल देशमुख पे जो परमवीर सिंह ने आरोप किया है उसमें सच्चाई भी है, मगर इसमें एक अनिल देशमुख जी नहीं, उसके साथ पूरी पार्टी तो खड़ी नहीं है। ये शंका पर, ये बेमतलब, इस शंका को मजबूत बनाने का पत्रकार परिषद से काम। एक आखिरी सवाल है कि अनिल देशमुख को आखिर बचाया क्यों जा रहा है? मैंने तो कहा ना कि अब महीने में 100 करोड़, यानी वर्ष में 1200 करोड़ बिजली के दरों में छूट देने के लिए सरकार के पास। यानी अब सवाल देखिए, सवाल खड़े कर रही है बीजेपी लगातार अनिल देशमुख पर, उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। और आप जब शरद पवार खुद उतरे मैदान में, सफाई पेश की, उस पर भी नीरज अब सवाल है बीजेपी का कि 15 फरवरी को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सरासर झूठ बोल रहे हैं। अर्पिता बिल्कुल, आज शरद पवार बिल्कुल पक्ष में थे, क्लीन चिट दे दिया है अनिल देशमुख को, लेकिन जो ट्वीट किया खुद अनिल देशमुख की तरफ से, उस दिन का ट्वीट है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और जिसे अमित मालवीय ने ट्वीट किया, उससे कहीं ना कहीं मुश्किलें जो है बढ़ सकती हैं NCP की और पूरे महाविकास अघाड़ी सरकार की। लेकिन एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं कि महाविकास अघाड़ी सरकार के सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है, तमाम तीनों पार्टियों के सूत्रों से जानकारी मिली है, अनिल देशमुख का जाना लगभग तय है, उनकी कुर्सी बचेगी इस बात की उम्मीद बिल्कुल कम है अब, क्योंकि अनिल देशमुख पर कई तरह के आरोप विपक्ष भले लगा रहे हैं, लेकिन महाविकास अघाड़ी के अंदर ये लगता है कि कई तरह की कमियां रही अनिल देशमुख में, कई तरह की असफलताएं अनिल देशमुख के तौर पे तीनों पार्टियों के लोग देख रहे हैं। हालांकि NCP के लोग बार बार ये कह रहे हैं कि उन्हें इस्तीफा देने की जरूरत नहीं, लेकिन कई महत्वपूर्ण वजह, पहली वजह ये कि सचिन वाजे या फिर जीप मामले में जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, मुख्य मामले की घटना जो घटी, उसकी असफलता का श्रेय कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी के दूसरे घटक दल जो है NCP को छोड़ के, उसकी असफलता की वजह अनिल देशमुख को ही मानते हैं। दूसरी वजह रही परमवीर सिंह का पत्र। परमवीर सिंह का पत्र जांच के दायरे में आ सकता है, ये एक अलग मसला है, लेकिन कहीं ना कहीं उस पत्र ने मुश्किलें अनिल देशमुख की बढ़ा दी है। तीसरी एक और महत्वपूर्ण वजह जो अभी थोड़ी देर पहले जुड़ गई है, शरद पवार को जो डिटेल दी गई होगी वो अनिल देशमुख के कार्यालय से ही दी गई होगी, ऐसा हमारा मानना है। तो अनिल देशमुख से अब जरूर पूछा जाएगा कि अगर आप अस्पताल में भर्ती थे, होम क्वारंटीन थे, तो कैसे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे? बिल्कुल नीरज, रहिए साथ। देखिए, अनिल देशमुख के बचाव में खुद NCP प्रमुख शरद पवार उतरे। लगातार दूसरे दिन आज शरद पवार ने अनिल देशमुख के समर्थन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बचाव किया। शरद पवार ने क्या कहा, जरा आपको एक बार फिर सुनवा देते हैं। अनिल देशमुख इस्तीफा नहीं देंगे, ये तय है। सवाल है कि जो एलिगेशन किया है, ये एलिगेशन में सच्चाई नहीं है। एलिगेशन का जो समय है, वो समय में वो नहीं थे मुंबई में, वो नागपुर में हॉस्पिटल थे। ये बात साफ होने के बाद फिर इसे और कोई एक्सेप्ट करना चाहिए। आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं होने की जरूरत है, सर कोई इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत नहीं है आपको? सर जैसे आप कह रहे हैं कि देशमुख है, जो कोई सच्चाई है वो सामने निकलेगी,
ऐसे समय मेरे जैसे लोगों ने कुछ कमेंट करना ये ठीक नहीं कि जिसका गलत असर इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस पर होगा और इसलिए इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। शरद पवार ने यह दावा किया कि अनिल देशमुख 5 से 15 फरवरी के बीच कोरोना पॉजिटिव थे और वो अस्पताल में थे। इसके बाद 16 से 27 फरवरी तक वो होम क्वारंटीन थे, लेकिन बीजेपी नेता अमित मालवीय ने उनके इस दावे पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने ट्विटर पर 15 फरवरी को एक वीडियो जारी किया जिसमें अनिल देशमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस करते दिखाई दिए। अमित मालवीय ने दावा किया कि ये वीडियो 15 फरवरी का है। बीजेपी के इस दावे के बाद शरद पवार ने फिर पलटवार करते हुए कहा कि मेरे पास अस्पताल से जारी देशमुख का सर्टिफिकेट है। साथ ही पवार ने यह भी दावा किया कि बीजेपी अनिल देशमुख की जिस तरह से उनके वीडियो को दिखा रही है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी। अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए लिखा कि शरद पवार ने दावा किया कि अनिल देशमुख 5 से 15 फरवरी तक अस्पताल में भर्ती थे और 16 से 27 फरवरी को क्वारंटीन थे। अनिल देशमुख 15 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कैसे साफ झूठ बोलते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक परमवीर सिंह ने कहा कि किसी भी तरह की जांच के लिए वो तैयार हैं। न्यूज 18 के आशीष सिंह की खबर के मुताबिक परमवीर सिंह ने कहा कि वो ना तो वीआरएस लेंगे और ना ही कहीं डेपोटेशन पर जाएंगे। इसके अलावा परमवीर सिंह ने दावा किया कि सचिन वाजे और सचिन पाटिल को कई बार अनिल देशमुख ने बुलाया था। परमवीर सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि सचिन वाजे ने कई बातों को उनसे छिपाया है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के लेटर बम के बाद इसकी गूंज मुंबई से लेकर दिल्ली तक सुनाई दे रही है। परमवीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में गृह मंत्री अनिल देशमुख पर वसूली के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया, जिसके बाद विपक्ष अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग पर अड़ गई है। आज इसी मुद्दे पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने महाअघाड़ी के नेताओं की बैठक भी बुलाई, तो दूसरी तरफ आज ये मुद्दा लोकसभा और राज्यसभा में भी उठा। इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी के सांसदों के बीच जोरदार बहस भी हुई। सभापति महोदय, मैं भी उसके कारनामे आपको पढ़ के दिखाता हूँ। मुंबई के उस वक्त के रुबेरो कमिश्नर, उन्होंने बताया ये परमवीर सिंह, अगर लेटर में पढ़ा के दिखा आपको दिखाऊंगा तो एक मोस्ट करप्टेड। आप बोलना प्रारंभ करिए। बिट्टू आप बोलना प्रारंभ कीजिए। आपका नाम बोला जा चुका है रमनी जी, श्री गिरीश बापट जी। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के एक साथ अनिल देशमुख के बचाव में उतरने पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हैरानी जताई और ये कहा कि जो आरोप लगे हैं मामला उससे भी ज्यादा गंभीर है। महाराष्ट्र में जो हो रहा है, महाराष्ट्र के उन नेताओं से पूछना चाहिए जो नेता की उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी तक हम महाराष्ट्र में सुनते थे हफ्ते फिरौती फलानी माँ का, ये जो एलिगेशन है ये तो हफ्ते और फिरौती का बाप दिखाई पड़ रहा है और उसको जस्टिफाई करना अपने आप उससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। आशीष सिंह भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मुंबई से बने हुए हैं। आशीष, देखिए तमाम सवाल अब उठ रहे हैं और सवाल अब ये कि आखिरकार शरद पवार के पास क्या गलत इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि वो भी ये कह रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बकायदा मीटिंग हुई है जिसका जिक्र बीजेपी कर रही है। लेकिन सवाल अब यहाँ ये भी कि परमवीर सिंह को लेकर भी हॉस्पिटलच्या गेटवर अनेक पत्रकार त्या ठिकाणी उभे होते, त्यांना काही मला प्रश्न विचारायचे होते। त्यावेळेस मी कोविड बंद नुकतं बाहेर आल्यामुळे माझ्या अंगात त्राण नव्हता, विकनेस होता, त्याच्यामुळे मी तिथं हॉस्पिटलच्या तिथे गेटवर खुर्चीवर बसलो आणि काही पत्रकारांची उत्तर देऊन लगेच गाडीत बसून होम क्वारंटाईन झालो। ते 15 फेब्रुवारी ते 27 फेब्रुवारीपर्यंत मी होम क्वारंटाईन होतो आणि 28 फेब्रुवारीला मी घराच्या बाहेर पहिल्यांदा सह्याद्री गेस्ट हाऊस मुंबईचं मीटिंगला गेलो। तो
अनिल देशमुख को आप सुन रहे थे, वो अब अपनी सफाई में यहाँ बात कर रहे हैं कि वो अस्पताल से डिस्चार्ज हुए उसके बाद उनको होम क्वारंटीन होना था और वो वीडियो बकायदा उन्होंने वहां जो पत्रकार थे उनसे बात बस की थी और उसको लेकर अब बीजेपी जो है वो सवाल खड़े कर रही है जो कि बिल्कुल गलत है। आशीष हमारे साथ मौजूद है और आशीष देखिए, जहां एक तरफ शरद पवार सफाई देने के लिए आ रहे हैं वहीं खुद अनिल देशमुख भी सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं भाई उस दिन तो मैं अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ। अर्पिता सबसे अहम बात इस वक्त जानकारी दे दूं कि परमवीर सिंह जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इस ट्रांसफर को लेकर जो है उन्होंने याचिका डाल दी है और सबसे अहम बात इस पूरे मामले को जो ट्रांसफर किया गया है उनका डीजी होमगार्ड में जहां पर इस वक्त वो बैठे हुए हैं उस ट्रांसफर को उन्होंने चैलेंज किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। और सबसे अहम बात यह कि जो परमवीर सिंह के क्लोज सोर्सेज हैं वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि परमवीर सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि वो इस मामले में जो जरूरत पड़ेगी तो जांच के लिए तैयार हैं। साथ ही साथ जो उन्होंने अपने लेटर में आरोप लगाए हैं उसमें अगर शरद पवार साहब ने सवाल उठाए हैं कि 100 करोड़ रुपए का लेन देन अगर हुआ तो उसका ट्रांजेक्शन कहाँ है, तो ऐसे में जब उनसे ये पूछा जाएगा तो वो इसका जवाब भी मुहैया कराएंगे। इसके अलावा सचिन वजे और होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के संबंधों को लेकर भी उन्होंने कई चीजें जो सूत्रों के हवाले से उभर कर सामने आई है उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सचिन वजे अगर एपीआई रैंक का ऑफिसर था तो ऐसे में वो देशमुख के घर क्यों जाता था, इसके अलावा दो और ऑफिसरों को क्यों बुलाया जाता था जबकि एसीपी डीसीपी रैंक या फिर एडिशनल सीपी रैंक के किसी भी अधिकारी को क्यों नहीं बुलाया गया। ऐसे में कई चीजें जो है उन्हें नॉलेज में ही नहीं रखी गई थी, इसी वजह से जो है कहीं ना कहीं जो है ये पूरे जब पूरा विवाद शुरू हुआ तो ऐसे में उसका ठिकरा उनके ऊपर फोड़ दिया गया है और ऐसे में वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस ट्रांसफर को चैलेंज करने वाले हैं। बिल्कुल, आप रहिए जरा साथ। इसी बीच देखिए मुंबई से बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र में पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह की चिट्ठी बम से उठे राजनीतिक भूचाल के बाद आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शाम 4:30 बजे एक अहम बैठक बुलाई है और इस बैठक में बदले राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाएगी। परमवीर सिंह की चिट्ठी बम के बाद से गृह मंत्री अनिल देशमुख की कुर्सी पर तलवार लटकी हुई है। कल शरद पवार भी कह चुके हैं कि अनिल देशमुख के मामले पर अंतिम फैसला उद्धव ठाकरे ही करेंगे। इस बीच ये भी जानकारी कि इस बदले हालात पर बीती रात कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की अहम बैठक हुई और ये बैठक करीब 2 घंटे तक चली और ये बताया जा रहा है कि राजनीतिक संकट पर कांग्रेस हाईकमान से रिपोर्ट भी मांगेगी। देखिए वहां पर उसका इन्वेस्टिगेशन के लिए शरद पवार जी ने रिक्वेस्ट किया है और महाअघाड़ी के जितने भी मंत्रिमंडल के लोग हैं और जो भी हमारे एक 3 पार्टी का मिलके जो सरकार है वो लोग इसके बारे में सोचेंगे। ये वहाँ महाराष्ट्र का मामला है और क्या करना कैसा करना वो सूझबूझ के उसको एक्शन लेंगे। इस बीच ठाकरे सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने अनिल देशमुख का बचाव किया। नवाब मलिक ने चिट्ठी के पीछे बड़ी साजिश की आशंका भी जताई। ये जो लेटर बॉम्ब फेंका है परमवीर सिंह ने, काफी बड़े एलिगेशन लगाए गए हैं महाराष्ट्र सरकार के ऊपर, आपकी पार्टी के मंत्री के ऊपर और होम मिनिस्टर के ऊपर। निश्चित रूप से जिस तरह से पत्र द्वारा कुछ आरोप लगाए गए हैं गंभीर हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवार साहब ने भी कल कहा कि इसकी जांच कुछ उच्च स्तरीय जो निष्पक्ष अधिकारी हैं उनके जरिए होनी चाहिए, लेकिन पत्र बहुत सारे संदेह पैदा करता है। सबसे पहले कि ट्रांसफर होने के बाद पत्र लिखा गया, पत्र में जो एविडेंस क्रिएट किए गए, कोई जो एसीपी है वो स्वयं कुछ नहीं कह रहा है, ये सवाल पूछ पूछ के एविडेंस बना रहे हैं, वो भी 16 तारीख को जब उन्हें पता था कि कल मेरा ट्रांसफर होने वाला है। और बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे परमवीर, तो बड़ी खबर यहां जो सामने आ रही है तबादले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा परमवीर खटखटाते हुए नजर आ रहे हैं और ये भी जानकारी सूत्रों से मिल रही है कि परमवीर सिंह उन्होंने बकायदा अपनी चिट्ठी में जो भी बातें कही हैं, जिस तरीके से शरद पवार सामने आए और उन्होंने सफाई दी, परमवीर सिंह के तरफ से ये भी जानकारी सामने आ रही है जो सूत्रों के हवाले से आ रही है कि वो बकायदा उसको पुख्ता सबूत देने के लिए भी तैयार हैं जो बातें उन्होंने चिट्ठी में लिखी है। आशीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, यानी आशीष तबादले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे परमवीर सिंह। जी बिल्कुल, उनकी याचिका जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। मुकुल रोहतगी जो है वो उनके वकील हैं और सबसे अहम बात ये कि जो ट्रांसफर किया गया है उस ट्रांसफर को लेकर उन्होंने चैलेंज किया है और साथ ही साथ जो अपने कहा जाए कि जो पूरा मामला है वो जो है
100 करोड़ का जो एक तरह से कहा जाए कि पूरी वसूली का मामला था उसे उसमें मेंशन किया है कि इस वजह से वो इस पूरे करप्शन के खिलाफ, लिहाजा उनका इस सिस्टम से ट्रांसफर किया गया, उनको जो है बलि का बकरा बनाया गया, लिहाजा उन्होंने इसे सुप्रीम कोर्ट में इसकी याचिका दाखिल की है। इसके अलावा विवेक का रुख कर लेते हैं, विवेक विवेक अगर आवाज आप तक आ रही हो तो जरा जानकारी दीजिए, क्या खबरें सामने आ रही हैं? सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और बाकायदा परमवीर सिंह ने तो ये भी कहा है कि वो अपनी बातों को प्रूव करने के लिए सबूत भी दे सकते हैं। देखिए अर्पिता, अब तक के इस पूरे मामले में सबसे बड़ा डेवलपमेंट यह है कि अब आईपीएस अधिकारी परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के खिलाफ बकायदा अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, बकायदा रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी मुंबई में जो भी जो वसूली के आरोप उन्होंने गृह मंत्री अनिल देशमुख के ऊपर लगाए थे उनके पास पूरे पुख्ता सबूत भी हैं और इस पर पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और पूरी जांच होनी चाहिए कि इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं और ये पूरा जो ग्रोह है वो कितना बड़ा है और महाराष्ट्र के कौन कौन से लोग इस पूल में शामिल हैं। तो यानी आप समझ सकते हैं जिस तरीके से परमवीर सिंह ने सबसे पहले चिट्ठी लिखी थी महाराष्ट्र के सीएम को जिसमें साफ तौर पर उन्होंने बताए थे कि अनिल देशमुख जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री है उनके ऊपर वसूली का आरोप लगाया था, 100 करोड़ रुपए प्रति महीना वसूली का आरोप लगाया था। उसके बाद अब जिस तरीके से परमवीर की चिट्ठी और उनके जो उन्होंने आरोप लगाए थे उस पर जब सवाल खड़ा होना शुरू हुए तब परमवीर सिंह ने बकायदा एक रिट पिटीशन सीधे सुप्रीम कोर्ट में फाइल किए। तो अर्पिता आप समझ सकते हैं कि वो रिट पिटीशन वो बॉम्बे हाई कोर्ट में भी फाइल कर सकते थे लेकिन उन्होंने उनके पास वो दावा कर रहे हैं कि उनके पास पुख्ता सबूत है अनिल देशमुख के खिलाफ और पुख्ती जानकारी है। अगर सुप्रीम कोर्ट उनकी रिट पिटीशन एक्सेप्ट करता है तो अपने आप में ये बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट जांच के आदेश देता है और परमवीर सिंह दावा कर रहे हैं कि उनके पास महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री अनिल देशमुख उनके खिलाफ सारे सबूत हैं तो अपने आप में ये बड़ा डेवलपमेंट है कि उन्होंने सीधे सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की है और मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ठीक है विवेक, आप नजर बनाए रखिए। तो देखिए लगातार एक के बाद एक खबरें इस पर सामने आ रही हैं। परमवीर सिंह जो कि अब सुप्रीम कोर्ट में अपने ट्रांसफर को चुनौती देने के लिए पहुंचे हैं और बकायदा ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने जो भी बातें चिट्ठी में लिखी हैं उसको वो सबूत के साथ दिखा भी सकते हैं और जांच जो है वो निष्पक्ष होनी चाहिए, सिर्फ उन पर ही कार्रवाई क्यों हुई है।